तो क्या बोल रही है मेरी वनटाई की पब्लिक, तुम्हारा भाई आ गया है वापस और एक ओपी पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो के साथ। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूँ गाइज। अगर आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा ही होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि तुम्हारे भाई ने ले लिया है आईफोन 11 प्रो। और आईफोन 11 प्रो लेते ही मैंने सोचा कि भाई अगर मैं XR पे अच्छा खेलता था तो प्रो पे तो मैं और भी अच्छा खेलना चाहिए। तो मैंने अपने कंट्रोल्स इधर उधर किए, प्रो की जो स्क्रीन है वो XR से थोड़ी छोटी है गाइज। हाँ, तो मेरे को थोड़े कंट्रोल एडजस्ट करने पड़े, तो मेरे कंट्रोल इसमें परफेक्ट नहीं थे, लाइक मैं थोड़ा मिसमैच कर रहा था। पर गाइज एनीवेज वो सब छोड़ो, मैंने आईफोन 11 प्रो तो ले लिया है, तो मैंने सोचा कि सीधा एक सैनॉक बूट कैम्प उतर के सोलो भी स्क्वाड गेम प्ले क्यों नहीं करते। मेरे को लगा कि ये मेरा पहला मैच होगा प्रो के साथ तो शायद से मैं मर जाऊंगा। पर गाइज आईफोन 11 प्रो का अगर तुम्हें कमाल देखना है तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि एंड में तुम्हें कुछ बहुत ही अलग लेवल का दिखने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डिसाइड किया कि प्रो को टेस्ट करना है तो सीधा सोलो वी स्क्वाड लेते हैं, और ये मेरा मिथिक वाला ग्लैडिएटर वाला फुल अपन लड़ने जा रहे हैं, महाभारत के कपड़े पहनते और सीधा उतरते बूट कैंप। मैं बूट कैंप भी सीधा मेन बिल्डिंग उतरा क्योंकि प्रो लिया है भाई मेरे पास, मेरे पास प्रो है भाई। तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तुम क्या क्या खेल रहे हो, किससे खेल रहे हो भाई? XR से खेल रहे हो? आ जाओ, प्रो है ब्रो मेरे पास। कहाँ हो तुम? प्रो है मेरे पास, किधर हो भाई? मेन बिल्डिंग कोई उतरा क्यों नहीं? प्रो है मेरे पास भाई, लो किधर गए तुम लोग? तो यहाँ मैं भाई अपने नए फ़ोन के कंट्रोल्स तुम देख सकते हो गाइस, थोड़ी मूवमेंट थोड़ी अजीब सी हो गई थी क्योंकि वो ना जॉयस्टिक वॉयस्टिक अभी सेट करनी है, वो कंट्रोल्स बराबर नहीं हुए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आईफोन 11 प्रो की जो स्क्रीन है वो थोड़ी XR से छोटी है। पर एनीवेज मेरे पास तो प्रो था तो मेरे को डर ही नहीं लग रहा था, क्योंकि लैग तो मेरे को अब कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा था, लाइक एकदम स्मूथ मक्खन माफिक चल रही थी गाइस गेम। तो मैंने बोला चलो अब सैनॉक में टेस्ट ही करते हैं अपने प्रो का, कहाँ गिरी स्क्वाड। तो यहाँ मैं TPP लेने रख के रुक गया। अब मैं यहाँ आया तो मेरे को राइट वाले रूम में बंदे का गन ग्लिच हो गया। तो मेरे को समझ नहीं आया ये महाशेर ने क्या समझा नूब सौमिल भाई ने, और मेरे को इसने पुश कर दिया। लाइक मेरे को समझ नहीं आया इसने क्या समझ के पुश किया भाई। जब तेरे को पता है सामने बंदा TPP ले रहा है और तू ऐसा कुत्ते जैसा भाग रहा है उसके मुंह पे, तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, और मेरे को यहाँ पे और फुटस्टेप आते हैं तो मैं जाता हूँ आगे मारने हो। और ये बंदा भाई, इसको एयरफोन हेडफोन नहीं, ये चरस पी के पता नहीं क्या पी के पड़ा हुआ है। इसको कुछ पता ही नहीं कि भाई बूट कैंप गिरा है मेन बिल्डिंग, ऐसे लूटेगा तो कैसे चलेगा मेरी जान? क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो गाइस उन लोग को मारने के बाद मैंने देखा कि अपने वेयर हाउस में भी स्क्वाड है, तो मैंने बोला सीधा पुश करने से अच्छा थोड़ा प्रो दिखाते इनको, प्रोनेस ना वो फ़ोन के साथ प्रोनेस भी आ गई। तो मैंने नेड उठा के फेंक दिया सीधा, ये ले बेटा, और नेड में ये फूट गया। अब देखो गाइस यहाँ मेरे ना कंट्रोल थोड़े ख़राब है, मैंने बोला ना यार आज पहली गेम थी यार इस पे, मतलब तुम समझो यार थोड़ा टाइम जाएगा। पर जैसे ही मैंने इसको नेड से उड़ाया मैंने देखा, बोला चलो पुश कर देते हैं, तो मैंने इसको तो नॉक फिनिश कर दिया क्योंकि तुम्हें तो पता है कि एडी तो बढ़ानी है भाई। फिर मैं यहाँ के रुक गया तो ये बंदा भी आया, तो 1 HP ध्रुव भाई के पास तो टकला ही नहीं था, और फिर इसको पड़ गया अपना AKM का हेडशॉट। AKM का हेडशॉट पड़ेगा तो बेचारा बच्चा क्या करेगा, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव फ्रॉम AKM हेडशॉट भाई, विदाउट अ हेलमेट यू आर डन। तो फिर उन सबको मारने के बाद मैंने देखा कि भाई एक स्क्वाड तो मैंने पूरी मार दी है, तो अब यहाँ आगे दंगे हो रहे तो मैं जाता हूँ। तो ये बंदा भी गार्डन में घूम रहा था तो इसको भी नॉक करने के बाद यहाँ देखो वापस मेरे कंट्रोल्स ने दे दी मेरे को प्रोनेस थोड़ी। तो ये बंदे को लेकिन मैंने अच्छा स्प्रे दिया AKM का और नॉक कर दिया, और मैं विंडो से देखता हूँ कि इसका दूसरा बंदा इसको वहीं रिवाइव दे रहा है। मतलब भाई मैं आ गया हूँ, तुम क्या कर रहे हो रिवाइव दे के? अनुष्का मैडम क्या था ये, ऐसा कैसा चलेगा रे दीदी? तो इसको मारने के बाद मैं जाता हूँ और इनको भी फिनिश कर देता हूँ। तो इसी के साथ ही 6 किल हो जाती है। मेरे को पता है कि अभी भी इनके बंदे बचे हैं, तो मेरे को नीचे से आवाज़ आती है, पर मैं जाता हूँ तो ये तो बॉट था नीचे, तो मैं बॉट को मार के फिनिश करता हूँ क्योंकि KD तो पड़ा नहीं है तुम्हें। और 2X स्कोप यार, 2X स्कोप छी, सबसे घटिया स्कोप लगता है मेरे को पूरी गेम का 2X स्कोप। गाइज आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको 2X पसंद है कि नहीं पसंद। अब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ भाई ये ऊपर बंदा 20 टी मार रहा है किसी को, तो मैं इसको नॉक फिनिश डालता हूँ। मैं तो देखता हूँ और एक ऊपर लेटा हुआ है, मतलब भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम लोग ऊपर लेट के क्या कर रहे हो? तो मैं इसको भी 4X का पूरा स्प्रे देता हूँ और इसको भी हेडशॉट से कंफर्म कर देता हूँ। मतलब भाई स्प्रे व्रे तो परफेक्ट हो गया, गेम एकदम स्मूथ चल रही है, मक्खन माफिक चल रही है, लाइक मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम खेलना। तो मैं फिर आराम से जाता हूँ ऊपर, टकला वकला उठाता हूँ लेवल 2 हेलमेट का और इनको आराम से लूटता हूँ। ये बंदे ने मेरे को ग्रिप व्रिप और एमो दे दी तो मैं यहाँ खुश हो जाता हूँ, और जो भी नई चाहिए मेरे को वो चीज़ें मैं फेंक देता हूँ। लाइक 4X लग गया AK पे भाई, इतना भी प्रो नहीं हूँ, पागल हो क्या सालो? 4X 4X दे रहे हो AK पे, लाइक पबजी वाले तो भाई, तो अरे पबजी वालों में ना खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, तुम्हारा बाप चलाएगा भाई कभी? कोई भी कैसी बातें करते हैं भाई ये लोग कभी कभी, पर छोड़ो। एनीवेज मैं तो खुशी खुशी भाई एकदम चिल होके निकल रहा हूँ बूट कैंप से, मज़ेदार से निकल गया हूँ भाई मैं, और मेरे को आवाज़ आई और फिर मेरी फट के हाथ में आ गई भाई।
ये खूनी उछिया भाई ने जो मेरे को हमला किया फटके, मेरी जो फटी है भाई, मेरी जो फटी है। मैं भाई आराम से गया, एक कोने में अपना ढूंढ लिया। मैंने बोला भाई तुम लड़ो, मुझे तो नहीं खेलना है, मैं तो पादर छोड़ दूँ जो मैं यहाँ आया, मेरे को खेलनी नहीं है गेम। तो एनी वे उसको मारने के बाद बूट कैम्प में कोई नहीं था, तो बूट कैम्प के बाद तो आपको पता ही है सैनॉग में सीधा निकलते हैं हम पैराडाइज के लिए। तो बूट कैम्प क्लियर करने के बाद मैंने बूट कैम्प में 10 किल हो गई थी, जिसमें से मैंने एक बॉट मारा था खाली गाइस, और 9 बंदे मारे थे। तो मैं अब जाता हूँ, मैं देखता हूँ पैराडाइज में यार पूरी स्क्वाड भाग रही है, तो मैं सोचता हूँ एक को नॉक करूँ, मैं इसको 4x स्प्रे देता हूँ, पर ये इसके पीछे छुप जाता है, तो फिर मैं इसको और गोली मारता हूँ पर ये और बच जाता है, और इतने में ये लोग मेरे को गोली मारना चालू करते हैं। अब भाई मेरी फटी वापस, मेरी तो वापस फटी, मैं मादर चोद जो मैं यहाँ भी आया। तो मेरे पास थे 2 नेड़, तो मैंने उठा के फेंक दिया भाई 2 नेड़ यहाँ पे, और मैं गया और मैं बन गया सीधा जहरीला सांप, जो कि सीखा है मैंने मैक्सटन से और सांप वान से। जहरीला सांप बन गया भाई मैं यहाँ, और मैंने ले लिया अपनी एनर्जी ड्रिंक पेन किलर, और मैं बोला भाई मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि गाइज मैं सच बताऊँ मेरी फटके अभी हाथ में आ गई थी यहाँ पे। तो पर फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि भाई मैं इन पे जाके रोटेशन ही मार लेता हूँ पूरा, तो बूस्ट अप तो मैं फुल था, तो मेरी हेल्थ तो अपने आप फुल हो जाएगी। तो मैं गन निकालता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेन बिल्डिंग जाऊँ, सीधा छत पे चढ़ जाऊँ। यहाँ मैंने FPP TPP स्विच किया, कि देख रहा था कि XR से ज़्यादा फास्ट है या उतना ही है, पर थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगा मेरे को XR से गाइस। तो ये फ़ोन तो अभी तक अच्छा है, पर ये फ़ोन जैसे मैं खेल रहा हूँ ना, मेरी फट बहुत रही है, पता नहीं क्यों मेरी फटने लग गई है गाइस ये फ़ोन के साथ। तो मैं यहाँ बैठा और मैं ऊपर जाके लेट गया। मैंने बोला भाई लेटने वाली टेक्निक्स तो बहुत काम कर रही है आजकल, मैं भी लेटने वालों से बहुत मरा हूँ, तो मैं भी ऊपर ही जाके लेट जाता हूँ जहाँ पे कोई सोचे ही ना कभी कोई लेटे। तो एनी वेज गाइस मैं यहाँ टाइम पास करके एक स्प्रे पेंट मार देता हूँ, कि अगर मैं मर गया तो मुझे लूटने आओगे, तो तुम ये देख सकते हो कि मेरी तुमसे फटी नहीं थी, मैं कभी भागा नहीं था, ठीक है। हाँ इनको क्या पता सच्चाई क्या है भाई, इनके सामने तो हम कूल है। तो एनी वेज मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ भाई इन्होंने स्मोक कर दिया, मुझे समझ नहीं है भाई इन्होंने स्मोक क्यों किया। अभी तुम 3 में अकेला, मैंने 1 HP की, तुमने वहाँ स्मोक क्यों किया, मतलब स्मोक करने का कारण क्या था। तो मैं लगा मैं अभी तक वहाँ TP भी लूँगा, भाई तुमने मेरी ऐसी फाड़ी में क्यों रुकूंगा, वहाँ मैं रनिंग लूँगा सीधा भाई रन टे। तो एनी वेज गाइज मेरे को वो लोग दिख जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि उनको मुंह पर चले जाऊँ, पर फिर वो यहाँ से गोली चलाने लग जाते, मस्ती करने लग जाते। तो मैं सोचता हूँ रुको भाई, एक बकरा तो आएगा इधर, और एक बकरे को तो मैं इधर ऐसे मारूंगा और फिर ही आगे पुश करूंगा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं रुकता हूँ कि भाई एक ना एक बकरा तो आएगा, क्योंकि बकरा तो आना कन्फर्म है। तो मैं यहाँ रुके रहता हूँ कि भाई बकरा जल्दी आ बकरा। मैं देखता हूँ कि भाई वो लोग ऊपर ऊपर चढ़ रहे, क्राउच हो रहे, क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे को पता है 3 से 4 है ये लोग। तो मैं सोचता हूँ भाई क्या करूँ अभी, फिर मैं यहाँ रुकता हूँ। अब देखो ये यहाँ बैठ जाता है, तो मैं सोचता हूँ इसको टकले पे दो दो मारूँ और ख़त्म करूँ, पर जैसे ही मारने जाता हूँ ये बंदा कूद के ही आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ अरे फ्री 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 किल, फिर मैं जाता हूँ और फिर ये दूसरा आता है, तो मैं इस पर भी गिर जाता हूँ। मैं बोलता हूँ तू भी फ्री, तो 2 इनके मैं मार देता हूँ और 2 और मार रहे हैं मुझे। तो ये बंदा यहाँ TPP ले रहा होता है, तो मैं इसको एक ही जाता हूँ, ये पीछे हटता है तो मैं इसको अग्रेसिव हो जाता हूँ। यहाँ पे अग्रेसिव होना, अगर यहाँ मैं भी पीछे हट जाता तो मैं मर जाता। अब भाई मेरी बची है 1 HP, और भाई कोई तो आ रहा है पास, फुटस्टेप आ रहे हैं और मेरी दिल की धड़कनें तेज़ बढ़ रही है। और जैसे ही हुआ तभी आया भाई, मतलब अगर ये बॉट जो भी था ये, अगर इसकी एक गोली मेरे को 2 सेकंड पहले मर जाती, मतलब मैं बॉट से मर जाता भाई, तो ये होता मेरा 11 Pro का गेम, ऐसा प्रो हूँ मैं। तो उन सबको मारने के बाद गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे पुश करता हूँ। लाइक उन सबको मारने के बाद मैंने बोला चलो भाई आगे गेम में जाते हैं और आगे लफड़े लेते हैं। और तो मैं इधर आके बैठ जाता हूँ गाइस, आराम से मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई मैं तो इधर ही चिल करूँगा, अभी इधर ही चिल करूँगा गाइस, मैं आराम से यहाँ बैठे रहता हूँ, एनर्जी ड्रिंक अपनी पीता हूँ आराम से भाई। क्योंकि देखो लेफ्ट में देखोगे ना तो मेरी पिंग 780 हो गई है, तो मैं रुकता हूँ भाई पहले पिंग ठीक हो, क्योंकि एंड में अब मेरे को जीतनी है भाई गेम, मेरे को मरना तो है नहीं। तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ भाई ये गेम ठीक हो जल्दी तो मैं आगे बढ़ूँ ब्रो। अरे यार अब मैं रुके रहता हूँ भाई, पिंग ही नहीं ठीक हो रही गाइस। यार तुम्हारे साथ पता है ना यार ये पिंग का लोचा पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे फोन नए फोन में हो रहा है, मैंने तो सिम कार्ड भी नहीं डाला इसमें, मैं तो वाईफाई पे खेल रहा हूँ खाली। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा वाईफाई तो अच्छा खासा है, स्ट्रीम करते टाइम भी लैग वैग नहीं होता, सब कुछ अच्छा खासा है, तो फिर ये अभी ऐसा BT क्यों दे रहा है यार मेरे को, मत करो मेरा कंटेंट चले जाएगा भाई, मेरी रोजी रोटी है ये सब। तो एनी वेज गाइस मेरी पिंग हाई होती है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है, जोन आ रहा होता है और सब कुछ ओपन है। तो मैं देखता हूँ कि भाई आगे एक पत्थर है, पर इतने में मेरी पिंग हो जाती है 20। तो जैसे ही मेरी पिंग होती है ना 20, मेरे में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और मैं बोलता हूँ ले सीधा ओपन में भागेगा तेरा भाई, सबको मारेगा तेरा भाई। तो यहाँ मैं छूट ओपन में भागने लगता हूँ गाइस, खड़े हो जाता हूँ कि भाई तुम जहाँ पर भी हो ना तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ आज। तो मैं यहाँ जा रहा रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ लेफ्ट में बंदा क्या कर रहे हैं, 2 बंदे वहाँ लेटे हुए गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं झाड़ियों में। तो मैं इन दोनों को स्प्रे देता हूँ, एक को देता हूँ दूसरे को मैं देता हूँ, तो दूसरा जोन के बाहर ही भाग के मर जाता है, मतलब भाई हो।
और ये लास्ट बंदा रहता है भाई, ये तो फ्री किल है, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या करेगा भाई, मैं पटेली करूँगा नहीं, ये तो पता नहीं क्या दिमाग था इसमें। एनीवेज गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आई लव ऑल ऑफ यू, पीस आउट, टेक केयर।